तो दोस्तों मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों पनीर मसाला, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एक बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया, इसका स्लाइस देख सकते हैं, पतला पतला काटना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया 2-3 के लिए लहसुन का, इसके लंबे लंबे स्लाइसिस काटे। मैंने एक ओनियन लिया है, प्याज जिसको मैंने इसका स्लाइस निकाल लिया है, प्याज का एक तेज पत्ता। उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले, जीरा, सरसों, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और 4 काली मिर्च। और यहाँ पर मैंने मसाला को सभी को एक साथ ही पीस ली हूँ। अब मैं गुंडी नहीं डाली हूँ, सारे खड़े मसाले थे जो मैंने पीस ली हूँ। इसमें मैंने एक टमाटर भी पीसा है, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी मिलाया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, और मैं पनीर को नहीं भूनूंगी दोस्तों। तो तेल हमारा गर्म हो गया, तो मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। उसके बाद ये सारे चीज, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, सिर्फ थोड़ा सा। उसके बाद ये सारे मसाले, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि हमारा मसाला गले ना। आप इसमें मेथी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची, मैंने सूखी मिर्ची डाली, पीस के डाली थी इसलिए। अब मसाला को मैं अच्छे से तरीके से भून लेंगे 2-3 मिनट ढक कर। तो देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून गया और तेल खुलने लगे हैं। अभी हम इसमें डाल रहे हैं पानी गिरने के लिए। मेन हमारा मसाला है दोस्तों, अगर मसाला अच्छे से कर गया खुलने के लिए हमारा सब्जी एकदम से टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गए हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ एक कप। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ग्रेवी, पतला अगर चाहते हैं तो। मैं गाढ़ा बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि हमारा मसाला पनीर बन रहा है, इसीलिए अब हम इसमें ग्रेवी में हम उबाल आने देते हैं अच्छे से। हमारे मसाले में अच्छे से उबाल आ गए हैं, तो मैं सारे पनीर डाल दूंगी। अब इसको हम पनीर को करीब 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे, फिर हमारा पनीर मसाला तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म पनीर मसाला तैयार है। अब मैं इसको फटाफट से सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म पनीर मसाला बनकर तैयार है। यकीन मानिए दोस्तों, इतना पसंद आएगा आपको कि आप इसके आगे मटन चिकन खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पनीर मसाला बनकर तैयार है दोस्तों। किसी भी चीज़ के साथ खाइए, रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और मैंने कम मसाले में इतना टेस्टी पनीर बनाया है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। देख सकते हैं इसका टेक्चर कितना थीक और कितने लग रहे हैं खाने के लिए, लगता है मुंह में पानी आ गया है दोस्तों खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, मैंने टेस्ट भी किया है, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए दोस्तों कितने अंदर तक हमारे पनीर कम मसाला गया है। अगर धनिया पत्ता हो दोस्तों तो ऊपर से ज़रूर छीट लीजिएगा और खाइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं ये पनीर मसाला। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और हैप्पी दीपावली दोस्तों। दीपावली में आप ज़रूर बनाइए इसको।